Hi friends, welcome to my YouTube channel. Myself Sudhir Jurobe and my channel name is Civil with Sudhir. Okay friends, last video में मैं आपको civil DFCCIL का MTS और executive और civil executive का जो general knowledge, general reasoning और general maths और जो भी है उसके बारे में आपको वीडियो डाला था, सिलेबस के बारे में और आपको उसमें इन डेप्थ का डिटेल डाला था। बस इस वीडियो में मैं स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी है, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग रहने दो, जो भी स्टूडेंट ये DFCCIL अप्लाई किए है, ये वीडियो उनके लिए है। बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, राइट। सो उसके लिए बहुत ही सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं, सर क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा और सर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, राइट। सो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन डेप्थ पढ़ना चाहिए या ओनली MCQ पढ़ना चाहिए, राइट। सो ये सारे डाउट पूरे आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा, राइट। और जो भी आपका डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, राइट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। मैं पूरा और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरा आपको सब्जेक्ट का एनालिसिस, और इस वीडियो में मैं 2016 का जो DFCCIL का सिविल पेपर हुआ था उसके बारे में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो ये एक प्रिडिक्शन है मेरे तरफ से, बिकॉज 16 का क्वेश्चन पेपर और 18 का सेम नहीं रहेगा, कुछ तो चेंजेस हो जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट देखिए सिलेबस फॉर एग्जीक्यूटिव सिविल, राइट। सो एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए जो भी स्टूडेंट्स है जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कंप्लीट किए उनका जो सिलेबस है DFCCIL के तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है वो क्या बोलेंगे, देखिए 120 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। बट 2016 में 100 क्वेश्चन का था, 80 क्वेश्चन टेक्निकल तो, और जो भी 20 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस था। बट इस ईयर 2018 में थोड़ा क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है और मार्क्स में कुछ इंक्रीज किया है DFCCIL की तरफ से, राइट। सो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको देखना है DFCCIL का सिविल एग्जीक्यूटिव का 120 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है, राइट। ये 120 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस, राइट। सो टोटल 120 का रहेगा, 96 क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू टेक्निकल, जो भी आपका 24 क्वेश्चन है, राइट, उसमें से 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज रहेगा और 12 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के ऊपर रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखिए इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट अभी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं ये आपके लिए लेके आया हूँ, राइट। यहाँ पे ये जो टेबल कॉलम आपको दिख रहा है, राइट, ये क्या है, DFCCIL का 2016 का जो भी पेपर है उसका मैं आपको एनालिसिस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ओके, जो भी सब्जेक्ट वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है मैं उसका पूरा सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही आएगा, उसका पूरा सॉल्यूशन विद द 100 क्वेश्चंस जो भी है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसका आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए और आप पढ़ते आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी ओनली एक ही मंथ बच चुका है, राइट। सो यहाँ पे देखिए आपको 2016 का जो पेपर है उसका मैं यहाँ पे एनालिसिस कर चुका हूँ, राइट, और सब्जेक्ट वाइज उसका कितना क्वेश्चन आए थे, कितना मार्क्स आए थे, क्वेश्चन का जो मोड रहेगा वो कैसा है मैं आपको सभी बोल दूंगा, राइट। सो फ्रेंड्स, पहले आप ये याद रख लीजिए, यहाँ पे आपको टेबलर कॉलम में देखे तो मालूम हो रहा है ये एक ही सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, सभी सब्जेक्ट पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे है, बट सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है मैं आपको इस वीडियो में बोल दूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए DFCCIL सिविल एग्जीक्यूटिव के लिए, राइट। सो चलिए फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 5 क्वेश्चन पूछा था 2016 में, उसमें से देखिए 5 क्वेश्चन में 3 थ्योरी था और 2 प्रॉब्लम्स थे, राइट, वो प्रॉब्लम्स भी पॉपुलेशन के ऊपर था, राइट। नेक्स्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये भी थ्योरी क्वेश्चन और एक प्रॉब्लम आया था, राइट। नेक्स्ट देखिए रेलवे इंजीनियरिंग पे 6 क्वेश्चन आया था, बिकॉज फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, DFCCIL जो भी है वो रेलवे के रिलेटेड है, यहाँ पे ये चांसेस भी बनने का चांसेस है, बिकॉज रेलवे में ज्यादा रिलेटेड जो भी टर्म्स रहेंगे, सिग्नल्स रहेंगे, गेजेस रहेंगे, जो भी वहां पे जो भी रिलेटेड रहेगा रेलवे का, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहेगा,
ओके ये मेरा प्रिडिक्शन है, मैं ये भी नहीं बोल सकता 100% वही आएगा, बट ये मेरा प्रिडिक्शन है, मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज ये चांसेस 2016 में बहुत कम क्वेश्चन आए थे राइट, यहाँ पे स्वाम और जियो टेक्निकल के ज्यादा क्वेश्चन आए थे राइट, बट मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप रेलवे इंजीनियरिंग को भी पढ़िए और टनल इंजीनियरिंग जो भी है, बिकॉज रेलवे टनल बहुत वो इंटरकनेक्टेड है राइट, सो वो भी पढ़िए राइट। यहाँ पे देखिए आप एनवायरमेंटल में 5 क्वेश्चन, इरिगेशन में 2 क्वेश्चन, रेलवे इंजीनियरिंग में 2016 में 6 क्वेश्चन आए थे, वो भी ऑलमोस्ट थ्योरी थे। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी 7 क्वेश्चन आए थे। हाइड्रोलॉजी में 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी थ्योरी थे। बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ओके, बिकॉज ये तो बेसिक है, सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक है, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे राइट, ये यहाँ पे 100% आपको क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे 8 दिया है बट ये 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है फ्रेंड्स राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तो ऑलरेडी मालूम है बिकॉज SSC RRB गेट ओके IAS UPSC जो भी आप एग्जाम लिख रहे हैं तो वहां पे भी इसका सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको मालूम ऑलरेडी होगा राइट। सो यहाँ पे भी वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सॉम, दैट इज 12 मार्क्स का आया था राइट, और सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स थे फ्रेंड्स राइट। सो यहाँ पे आपको और एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए ओनली थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे सभी मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे थ्योरी बहुत ही ज्यादा कम है और प्रॉब्लमेटिक ज्यादा दिए है, तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइट, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट यूनिट्स है, कौन से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं राइट। सो DSS उतना क्वेश्चन नहीं आए थे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आए थे, फिर भी आपका जो भी जनरल पॉइंट है आप पढ़ सकते हैं राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 12 क्वेश्चन आए थे, उस 12 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऑल पूरा प्रॉब्लम दिए है राइट, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैंने पढ़ा है वहां पे देखा है मैंने राइट, पूरा 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम है राइट। सो आपको क्या है, पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जब आप फॉर्मूला याद रखना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा राइट। फॉर एग्जांपल अभी बल्क डेंसिटी रहने दो, ड्राई डेंसिटी रहने दो, सैचुरेशन डेंसिटी, ऐसा आपको फाइंड आउट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आए है राइट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है और सब्जेक्ट का थोड़ा तो इन डेप्थ नहीं तो आपको जनरल जो भी पॉइंट है उसको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स राइट। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है RCC रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट राइट, उसके ऊपर 6 क्वेश्चन आया था 2016 में, बट यहाँ पे 6 क्वेश्चन से 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो यहाँ इसीलिए मैं ये जो भी ज्यादा क्वेश्चन दिए उसको रेड मार्क्स है यहाँ पे आपको डार्क करके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 6, 7, 8, 12, 12, 6, 6 ये जो भी है, ये ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही रिपीट होगा, बट ये जो इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट, इसीलिए बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको जस्ट इसको पढ़ना है, इसका जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझना है फ्रेंड्स राइट। चलिए नेक्स्ट हो गया RCC, नेक्स्ट सर्विंग, और RCC में आपको ज्यादा से ज्यादा डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे राइट। मिनिमम बार क्या रहेगा, मिनिमम स्पेसिंग क्या रहेगा, कॉलम बीम, ऐसा आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स राइट। नेक्स्ट देखिए सर्विंग का राइट, सर्विंग में यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, सर्विंग में भी वही चैन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेटेबल सर्वे राइट, लेवलिंग, थेडोलाइट ओके, किसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट, कर्व उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ, ऑलरेडी कर्व के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है 2016 के पेपर में राइट, और कंपास के ऊपर 1-2 क्वेश्चन है राइट। तो यहाँ पे आपको सर्वे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है राइट, आप उसको भी पढ़िए। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रेलवे, टनल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये तीनों को आप जरा ज्यादा ही पढ़िए बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन भी रेलवे को इंटरकनेक्टेड के जैसा ही है, तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल अभी 3 पूछे, बट इस साल अगर डबल पूछे या नहीं तो 10 क्वेश्चन पूछे तो भी आपको पूछ सकते है, ये नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन कम आएंगे, बट आपको यहाँ पे जो भी मैंने लिस्ट आउट किया ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बट जो भी रेड मार्क मैंने किया है उसको तो आपको बहुत अच्छे तरह पढ़ना है बिकॉज वही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है राइट। नेक्स्ट देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का 5 क्वेश्चन है, PSC का 2 क्वेश्चन और जियोलॉजी के
ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड्स वो था 80 क्वेश्चंस के लिए, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस थे वो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के लिए 10-10 क्वेश्चंस थे। बट इस टाइम ये क्वेश्चन पेपर चेंज हो गया है, 120 क्वेश्चंस का है, तो यहाँ 80 से जाके 96 क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट ऐड होने का भी चांसेस रहेगा और क्वेश्चन रिपीटेड होने का भी बहुत ही चांसेस रहेगा, राइट। सो ये हो गया फ्रेंड्स एनालिसिस ऑफ 2016 DFCCIL का 2016 का सिविल पेपर। मैं अभी नेक्स्ट आपको ये मेरे तरफ से, मेरा चैनल के तरफ से, सिविल विद सुधीर के चैनल के तरफ से आपको मैं एक सजेशन देने वाला हूँ। DFCCIL जो भी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो भी है, जो भी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, राइट। सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू बी स्टडीड फॉर DFCCIL सिविल एग्जीक्यूटिव, सिविल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स है, ये यहाँ पे जो भी मैंने लिस्ट आउट किया है, इस सब्जेक्ट को आप अच्छे तरह MCQ के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट है तो मेरे चैनल पे आके, ऑलरेडी मेरे चैनल पे ऑलरेडी MCQ डाले सा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ओके, और सर्वे के ऊपर भी डालने वाला हूँ, वो भी आप देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर से मेरा कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ऑलवेज यही है, आप कमेंट कर दीजिए, राइट। फर्स्ट सब्जेक्ट देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है सीमेंट के ऊपर, राइट, एग्रीगेट के ऊपर, एडमिक्सचर्स के ऊपर, राइट, प्रॉपर्टीज के ऊपर, सॉरी फ्रेंड्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको टेस्ट के ऊपर पढ़ना है, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स, टाइप्स ऑफ द फ्लूइड्स, राइट। सो फ्लूइड्स इन चैनल, राइट, ऑरिफाइस, राइट, पंप्स, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स में। कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी हो गया। नेक्स्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ना है स्टोन के बारे में, ब्रिक के बारे में, राइट, आपको पढ़ना है जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड पॉइंट्स रहेंगे, स्टील के बारे में पढ़ना है, अल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है, राइट, पेंट्स, वार्निश, डिस्टेंपर, ये सभी के बारे में आपको प्रॉपर्टीज और उसका जो भी यूजर्स है और जो भी अपडेटेड है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। बेसिक तो रहेगा बट जो भी अपडेटेड है उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको फर्स्ट पढ़ना है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के जितने भी टाइप्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उसको फर्स्ट सॉल्व कर दीजिए, राइट, बिकॉज उसके ऊपर ही आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वही प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेसेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, राइट। स्ट्रेन पे पढ़ लीजिए, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, राइट। नेक्स्ट आपको जो आपको जो है कॉलम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके, ये जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, राइट। नेक्स्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, राइट। यहाँ पे आपको एक मैं बोलता हूँ, जियो टेक्निकल का बहुत ही सारा क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, इस टाइम पे आने का चांसेस है, इसीलिए आपको देखिए फर्स्ट पढ़ना है आपको बेसिक टू फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम विथ ऑल द फॉर्मूलाज विथ द डेरिवेशंस, ओके, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेशन डेंसिटी, राइट, वाटर कंटेंट बोले थे क्या, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वाटर कंटेंट को, ड्राई डेंसिटी फील्ड में कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, उसके मेथड्स क्या है और फॉर्मूलाज क्या है, राइट, और प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, शियर स्ट्रेंथ, राइट, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, राइट, एंड अर्थ प्रेशर, ओके, अर्थ प्रेशर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट। सो ये हो गया टॉपिक जियो टेक्निकल के बारे में। सर्वेइंग में तो आपको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सर्वेइंग में आपको पढ़ना है कर्व्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आए थे, राइट, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, राइट, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है वो भी पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद कंपास सर्वे में जो भी कन्वर्जन है, WCV इंटू QV, QV इंटू WCV जो भी है उसके ऊपर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपको चैन सर्वे के ऊपर भी जो चैन सर्वे के ऊपर जो है आपको वो भी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्स्टेकल्स जो भी है चैन्स में उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट, और प्लेन टेबल सर्वे में आप जो भी चार मेथड है, राइट, उसके ऊपर आपको डेफिनेशन पूछेंगे, वो भी पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट RCC, RCC में देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट आपको पढ़ना है, राइट, डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज, ओके, डिजाइन कॉन्सेप्ट जो भी है उसको पढ़ना है, उसके बाद डिजाइन वैल्यूज को पढ़ना है, राइट। फॉर एग्जांपल कॉलम साइज कितना रहना चाहिए, मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, डायमीटर, मिनिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर,
मिनिमम स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉलम, मिनिमम डेप्थ ऑफ द बीम, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बीम, ये सभी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेंगे राइट। और आपको प्रॉब्लम्स में एक प्रैक्टिकल कंडीशन देके आपको क्या है एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट, एएसटी फाइंड आउट करने को देते हैं, नहीं तो आपको क्या है एरिया ऑफ द स्टील देख के आपको मूवमेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को देते हैं। तो ये सभी आपको पूछने के लिए आपको फर्स्ट क्या है फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और आरसीसी के लिए मैं एक ही आपको पॉइंट बोलूंगा, आप आईएस 456 जो कोड है उसको अच्छे तरह पढ़ लीजिए राइट, तभी आप आरसीसी सब्जेक्ट को पूरा अंडरस्टैंड कर ले सकते हैं फ्रेंड्स राइट। चलिए लास्ट वन जो है रेलवे इंजीनियरिंग। मैं रेलवे इंजीनियरिंग को लास्ट में क्यों रखा है बोले तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएफसीसीआईएल के लिए राइट। डीएफसीसीआईएल ज्यादा क्वेश्चन रेलवे के ऊपर पूछने का चांसेस है, तो यहां पे आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए फ्रेंड्स। मैं फर्स्ट बोलता हूं रेलवे के कॉम्पोनेंट जो भी है, टाइप ऑफ रेल्स राइट, कॉम्पोनेंट क्या क्या चाहिए, 1 किलोमीटर लेंथ के लिए आपको स्लीपर कितना चाहिए, जो भी फीचर्स है वो कितना चाहिए, जेली जो यूज करते हैं वो बलास्ट जो हम बोलते हैं वो साइज क्या रहना चाहिए, उसका प्रॉपर्टीज क्या रहना चाहिए राइट, प्लेटफॉर्म का हाइट कितना रहना चाहिए राइट, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जो भी रूम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एरिया कितना रहना चाहिए राइट। और ये सभी रिलेटेड जो भी पोस्ट रहेंगे राइट, और सिग्नल्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ओके, वो भी याद रख लीजिए सिग्नल जो भी है राइट, रेलवे में जो भी सिग्नल यूज करते हैं उसके ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चन है ओके। सो ये वीडियो में मैं आपको पूरा 2016 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपके लिए, मेरे सब्सक्राइबर जो भी है और मेरे जो भी यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है, और जो नहीं देख रहे उनके लिए भी ये है कि आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें आपके फ्रेंड्स के, बिकॉज ये जो है आपको वीडियो नहीं मिल रहा है बिकॉज राइट। सो इसीलिए मैं मेरा सब्सक्राइबर को ढूंढ के आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स ओके। प्लीज इस वीडियो को सभी तरफ शेयर करिए ताकि सभी को ये वीडियो का हेल्प हो जाए राइट। थैंक यू एंड ऑल फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू एंड ऑल।